इसलिए राम राम जपिए जितना हो सके भगवान नाम। खैर आज कथा तो कुछ और थी, पर पता नहीं कहाँ से इस रास्ते आ गए, पर जो हरी इच्छा। अब चलो थोड़ा ब्रज की ओर चलते हैं और वृंदावन पहुंच करके श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण ने कल बाल लीलाएं करी, आप सबने दर्शन किया, श्रवण किया, और अब भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में उठाए श्री गिरिराज जी। पहले तो भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी करो। सबने कहा क्यों? बोले इंद्र हमारे, इंद्र अभिमानी है, इंद्र स्वार्थी है, इसलिए उसकी पूजा छोड़ के गिरिराज जी की करो, ये हमारे इष्ट हैं, नारायण का स्वरूप है। सब राजी हो गए, कन्हैया की बात कौन टालता, सब आगे सबने बैठ करके दर्शन किया, प्रणाम किया। 7 दिन तक सेवा होने के बाद, पूजा होने के बाद इंद्र ने प्रकोप किया, बारिश हुई, धुआंधार वर्षा हुई ब्रज में, पूरा ब्रज तहस नहस होने लगा। तब भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृपा करी और श्री गिरिराज जी को प्रणाम करके 7 कोस लंबे श्री गिरिराज जी को भगवान ने अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। भगवान श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके खड़े हो गए। सब ब्रजवासियों ने जय जयकार करी, कन्हैया की जय हो, लाला की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। पर फिर भी किसी ने इतना सब होके भी कृष्ण को भगवान नहीं माना, तब भी नहीं माना। और भगवान ने भी इस बात को कह दिया, भगवान ने कहा जानते हो हमने गिरिराज जी कैसे उठा रखे? बोले कैसे? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। असल में हमारी तो ये श्री जो हैं, इनकी कृपा है जो हमने गिरिराज जी उठा लिए, नहीं हमें तो कोई बल नहीं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और 7 दिन तक ये रस बरसा। 7 दिन बाद जब श्री ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण करके खड़े रहे, इंद्र को पता लगा कि ये तो हमसे गड़बड़ हो गई, तो इंद्र आया भगवान से क्षमा मांगने। तो डर रहा था ऐसे कैसे जाऊं, तो सोचा जब कोई किसी के पास जाए नाराज को मनाने के लिए तो उसकी कोई प्रिय साथी साथ ले जाता है। तो ठाकुर जी की प्रिय क्या है? माखन तो खाने में है, वैसे क्या प्रिय है? हाँ, गौ माता। गौ माता को देखते हो ठाकुर जी गुस्सा एकदम फुर्र हो जाता, भाग जाता है, वो गुस्सा नहीं आता। तो इंद्र ने सोचा ऐसे जाना है, तो अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गौ माता को साथ लेकर के जाते हैं। कितना प्रेम है ठाकुर जी, वो तो आपने सुना। नंद बाबा के घर कितनी लाख गैया थी? 9 लाख गैया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कौन सी गैया का क्या नाम है, कौन सी गैया का बछड़ा कब होने वाला है, कौन सी गैया गर्भवती है, इसका बछड़ा कब होगा, ये सब ठाकुर जी को पता होता था, सब पता होता था। कब कौन किसको क्या खिलाना है, क्योंकि इसके गर्भ में बालक है, ये भी ठाकुर जी को पता होता था, इतना प्रेम करते थे। श्री छीत स्वामी जी ने पद में लिखा है, ठाकुर जी कह रहे आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। ठाकुर जी मैया को कहते मैया मेरे को काम कर दे। मैया बोलती कहा करनो लाला? बोले मेरे चारों तरफ मैया गैया ही गैया चाहिए, मोकू मैं सोऊं तो आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, हर जगह गैया हो, चारों तरफ गैया। और छीत स्वामी ने तो ये तक भी लिख दिया, लोग कहते हैं गिरिराज जी भगवान ने ब्रजवासियों के लिए उठाया, ना ना ना, गैयन के हेतु गिरी कर ले उठायो, भगवान ने गैया के हेतु गिरी कर उठाया, क्योंकि 9 लाख गैया बेचारी कहाँ जाती, इसलिए भगवान ने गिरिराज जी धारण करके सबकी रक्षा करी।